नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन चैप्टर का रिवीजन। तो कैपिटल गेन चैप्टर में सबसे पहले अपने देखा था चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 45। ये बोलता है अगर कोई कैपिटल एसेट है और उस कैपिटल एसेट का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्रांसफर हुआ है, तो जो भी गेन होगा उसके ट्रांसफर से वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। तो कंडीशन मेन थी इसमें, तो कैपिटल एसेट होना चाहिए और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उस कैपिटल एसेट का क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। फिर देखा था कैपिटल एसेट क्या होती है। तो कैपिटल एसेट मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, कैसी भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, जो असेसी ने हेल्ड कर रखी है, या तो बिजनेस की प्रॉपर्टी है या पर्सनल, बिजनेस की हो चाहे पर्सनल हो। लेकिन चार चीज़ों को छोड़ के, चार चीज़ें क्या क्या नहीं आएंगी कैपिटल एसेट में। एक तो स्टॉक इन ट्रेड, अगर स्टॉक इन ट्रेड है बिजनेस का वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। दूसरा पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी भी है और मूवेबल भी है, पर्सनल भी है और मूवेबल भी है, वो भी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। लेकिन पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी में कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है जो पर्सनल होते हुए भी और मूवेबल होते हुए भी क्या मान लिए जाएंगे, कैपिटल एसेट मान लिए जाएंगे। जैसे ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। ये देखो पर्सनल है आपके, मान लो पर्सनल है और ये मूवेबल भी है, लेकिन फिर भी क्या मान लिए जाएंगे, ये कैपिटल एसेट मान लिए जाएंगे। तीसरा है रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। और चौथा गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड के बॉन्ड्स भी कैपिटल एसेट नहीं माने जाएंगे। अब नोट लिखवाया था मैंने, अगर FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई सिक्योरिटीज हेल्ड करके रखता है, कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड करके रखता है, तो हमेशा क्या माना जाएगा कैपिटल एसेट, चाहे वो उसका स्टॉक इन ट्रेड है, मान लो उसका बिजनेस है, स्टॉक इन ट्रेड है सिक्योरिटीज, फिर भी क्या मान लिया जाएगा उसका, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का वो कैपिटल एसेट ही माना जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड नहीं माना जाएगा। इसके बाद देखा रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया क्या होता है। तो कोई ऐसा एग्रीकल्चर लैंड जो ऐसे एरिया में सिचुएटेड है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है, ऐसे एरिया में सिचुएटेड है, ऐसे विलेज में सिचुएटेड है जहाँ पॉपुलेशन 10,000 से कम है। दूसरा एरिया है ऐसा जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है लेकिन अप टू 1 लाख, कोई ऐसी सिटी है पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा अप टू 1 लाख है, और उस एरिया से 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर, अप टू 2 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जो एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है वो क्या बन जाएगा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। उसके बाद कोई ऐसा एरिया जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा अप टू 10 लाख है, और उस एरिया से 6 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जो एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है वो क्या बन जाएगा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। और इसके बाद कोई ऐसा एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज़्यादा है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो ऐसा एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, उस एरिया से 8 किलोमीटर अप टू 8 नहीं, 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जो लैंड सिचुएटेड है वो क्या बन जाएगा, जो एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है वो क्या बन जाएगा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, कंडीशन क्या मेन, तो एग्रीकल्चर लैंड, तो 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर सिचुएटेड वो क्या बन जाएगा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अब टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, एक होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब देखते हैं कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्यों मानी जाती है। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होती है उन पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलता है। अब पता कैसे चलेगा कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग, मतलब परचेज से लेकर के सेल तक का पीरियड क्या था, कितने टाइम तक आपने उसको हेल्ड कर रखा था। तो सबसे पहले तीन कैपिटल सेट, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी, दूसरा जीरो कूपन बॉन्ड और तीसरा यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी, जीरो कूपन बॉन्ड, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इनके केस में अगर इनकी पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी है, अगर आपने इनको अप टू 1 ईयर तक हेल्ड कर रखा है, अप टू 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स तक हेल्ड कर रखा है तो शॉर्ट टर्म, और 1 ईयर से ज्यादा हेल्ड कर रखा है, 12 मंथ्स से ज्यादा हेल्ड कर रखा है, 1 ईयर से ज्यादा हेल्ड कर रखा है, तो ये बन जाएंगी लॉन्ग टर्म। उसके बाद अनलिस्टेड शेयर और लैंड होल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर और लैंड होल्डिंग अप टू 2 ईयर तक हेल्ड कर रखा है शॉर्ट टर्म, 2 ईयर से ज्यादा हेल्ड कर रखा है तो लॉन्ग टर्म। इसके बाद इनके अलावा और भी अदर जो भी कैपिटल एसेट, अदर कैपिटल एसेट जो भी आ गए, इनके अलावा इन 5 एसेट के अलावा अदर जो भी कैपिटल एसेट है, जैसे ज्वेलरी हो गई, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हो गई, ये सब किस में आ जाएंगे, अदर कैपिटल सेट में आ गए। तो इनके लिए पीरियड ऑफ हेल्डिंग है अप टू 3 ईयर तक हेल्ड कर रखा है तो शॉर्ट टर्म, 3 ईयर से ज्यादा हेल्ड कर रखा है तो लॉन्ग टर्म। इसके बाद देखा अपने ट्रांसफर क्या माना जाएगा, तो ट्रांसफर की इनकम टैक्स में इंक्लूसिव डेफिनेशन दे रखी है, मैंने सारी चीजें बता दी जो जो ट्रांसफर माने जाएंगे इसमें। सबसे पहले सेल, अगर आपने कैपिटल सेट किया वो ट्रांसफर माना जाएगा, एक्सचेंज किया वो भी ट्रांसफर माना जाएगा। दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपने पजेशन किया, रजिस्ट्री वगैरह नहीं करवाई, खाली पजेशन कर लिया, तो पजेशन भी क्या मान लिया जाएगा, ट्रांसफर मान लिया जाएगा। इसके अलावा कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गया और आपको इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट या अदर एसेट मिला, तो वो भी क्या मान लिया जाएगा, ट्रांसफर मान लिया जाएगा। इसके अलावा कैपिटल एसेट को आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, ये भी क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा। इसके अलावा कि फर्म AOPBOI में कोई पार्टनर मेंबर कैपिटल एसेट लेके आया, इंट्रोड्यूस किया एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन, वो भी क्या मान लिया जाएगा, ट्रांसफर मान लिया जाएगा। इसके अलावा फर्म का डिसोल्यूशन हुआ, AOPBOI का डिसोल्यूशन हुआ और पार्टनर या मेंबर को फर्म ने क्या करी, एसेट डिस्ट्रीब्यूट करी, वो भी क्या मान लिया जाएगा, ट्रांसफर मान लिया जाएगा। इसके अलावा कंपलसरी एक्विजिशन हुआ कैपिटल एसेट का, वो भी क्या मान लिया जाएगा, ट्रांसफर मान लिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी का लिक्विडेशन होता है, कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट करती है लिक्विडेशन पे, वो भी क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा। इसके अलावा बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी, वो भी ट्रांसफर माना जाएगा। और स्लम सेल भी क्या मान लिया जाएगा, ट्रांसफर, स्लम सेल मतलब पूरी यूनिट का सेल किया आपने, इंडिविजुअल एसेट का नहीं किया, पूरी यूनिट का सेल कर दिया, ये सब ट्रांसफर माने जाएंगे। अब देखा था सेक्शन 47 कौन से ऐसे केस है जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन भी है जिनको ट्रांसफर कभी नहीं माना जाएगा। अगर आपने ट्रांसफर किया गिफ्ट में, मतलब आपने किसी को फ्री में दिया कोई प्रॉपर्टी, दोस्त को या अपने बेटे वगैरह को गिफ्ट में ट्रांसफर किया, विल के थ्रू ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इसोप गिफ्ट में दोगे, इसोप गिफ्ट में दोगे तो वो ट्रांसफर मान लिया जाएगा। बाकी कुछ भी चीज़ आप गिफ्ट में देते हो, लैंड, बिल्डिंग वगैरह, तो ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। दूसरा HUF का पार्टीशन हुआ, टोटल या पार्टीशन, पार्शियल पार्टीशन, टोटल या पार्शियल पार्टीशन हुआ और HUF ने कैपिटल एसेट मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तीसरा
अमालगमेशन डिमर्जर में जो ट्रांसफर होते हैं वो ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। अमालगमेशन डिमर्जर में कौन से ट्रांसफर होते हैं? एक तो अमालगमेटिंग कंपनी क्या करती है, अपने कैपिटल असेट अमालगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर कर देती है, वो ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। दूसरा, डिमर्ज्ड कंपनी अपने कैपिटल असेट रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर कर देती है, वो ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। कंडीशन क्या है, जो नई कंपनी जो रिसीव कर रही है असेट वो इंडियन होनी चाहिए। इसके अलावा रिजल्टिंग कंपनी क्या करती है, डिमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है, तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अमालगमेटेड कंपनी क्या करती है, अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है, वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। इसके बाद देखा था अपन ने कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है होली ओन सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी में। होली ओन सब्सिडरी मतलब 100% सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी के बीच में कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कंडीशन क्या है, जो कंपनी रिसीव कर रही है एसेट वो इंडियन होनी चाहिए। दूसरा, जो होल्डिंग कंपनी है उसको 100% शेयर कैपिटल होल्ड करके रखनी है, कब से, जिस दिन ट्रांसफर हुआ उसके बाद 8 साल तक, उसके बाद 8 साल तक उसको 100% शेयर कैपिटल होल्ड करके रखनी है। उसने 100% नहीं रखी, 1% भी कम कर ली, तो जो बेनिफिट मिला था कि ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, वो बाद में विड्रॉ कर लिया जाएगा और कैपिटल गेन लग जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है, बॉन्ड्स डिबेंचर को अगर आप शेयर्स में कन्वर्ट करते हो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करते हो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। जो रिवर्स मॉर्गेज स्कीम होती है जिसमें सीनियर सिटीजन क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बैंक को मॉर्गेज करके लोन वगैरह लेता है, तो रिवर्स मॉर्गेज में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और इसके अलावा सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म का कंपनी सक्सेशन कर लेती है, मतलब पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी खरीद लेती है, कंपनी खरीद लेती है उनको, तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कंडीशन क्या थी, प्रोप्राइटरशिप और फर्म की जो भी लाइबिलिटी हैं, असेट्स हैं, वो कंपनी के क्या बन जाए, असेट्स लाइबिलिटी बन जाए। दूसरी कंडीशन क्या है, जो प्रोप्राइटर और पार्टनर है वो कंपनी में 50% का, 50% या उससे ज़्यादा का कम से कम वोटिंग पावर रखे 5 सालों तक। इसके अलावा तीसरी कंडीशन है, प्रोप्राइटर और पार्टनर को कंपनी से शेयर्स के अलावा कुछ भी नहीं मिले, शेयर्स के अलावा और कोई कंसीडरेशन नहीं मिलना चाहिए। ये कंडीशन पूरी होंगी तो ही ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। पॉइंट नंबर 9 है, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का LLP में कन्वर्जन हो रहा है, और जो कैपिटल असेट ट्रांसफर हो रहा है किसका, प्राइवेट कंपनी का और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का LLP को, वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कंडीशन क्या क्या है, कंपनी की जो असेट्स एंड लायबिलिटी है वो LLP के क्या बन जाए, असेट्स एंड लायबिलिटी बन जाए। दूसरा, जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो LLP में पार्टनर बन जाएं, जो उनकी प्रपोर्शन थी शेयर होल्डिंग की उस रेशियो में। तीसरा, कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको LLP का प्रॉफिट मिलना चाहिए 50% 5 सालों तक। इसके अलावा चौथी कंडीशन है कि जो पार्टनर बने LLP के, कंपनी के जो शेयर होल्डर थे जो LLP के पार्टनर बन गए, उनको कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कंपनी का जो रिजर्व सरप्लस था उसमें से आपको एक भी अमाउंट पे नहीं करना, एक रुपया भी पे नहीं करना 3 सालों तक। इसके अलावा अगली कंडीशन थी कि जो कंपनी जो कन्वर्ट हो रही है उसका टर्नओवर और ग्रोथ रिसीट पीछे के 3 सालों में 60 लाख से ज़्यादा, 60 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो कंपनी कन्वर्ट हो रही है उसकी टोटल असेट्स की बुक वैल्यू पीछे के 3 सालों में 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 6 कंडीशन थी, ये सेटिस्फाई होंगी तो ही ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अब देखा था पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे निकालोगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, तो नॉर्मल केस में परचेज की डेट से सेल की डेट तक का पीरियड ले लेना। परचेज किया था मान लो 1 अप्रैल 2010 को, और सेल किया आपने मान लो 30 मार्च 2020 को, तो 1 अप्रैल 2010 से 30 मार्च 2020 दोनों डेट इंक्लूड करना, परचेज वाली और सेल वाली, और उस अकॉर्डिंग पीरियड निकाल लेना। अब स्पेशल केस देखते हैं, जब आपको कैपिटल असेट कैसे मिलता है, कैपिटल असेट कैसे मिलता है आपको, ऐसे ट्रांजेक्शन से जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाता, ऐसे ट्रांजेक्शन से जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाता, जैसे ऊपर ये 9 केस देखे थे ना, 9 केस, इनके थ्रू अगर आपको कैपिटल एसेट मिलता है तो कैसे निकालोगे आप पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ओनर का पीरियड भी इंक्लूड करना है, या प्रीवियस एसेट वाला केस है तो प्रीवियस एसेट का पीरियड भी इंक्लूड करना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मिस्टर श्याम, इसने बिल्डिंग परचेज करी थी 2005 में 20 लाख रुपए की, इसने गिफ्ट कर दी मिस्टर मोहन को, जो इसका बेटा था उसको गिफ्ट कर दी, तो गिफ्ट किया ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन मिस्टर मोहन ने क्या किया, 2020 में जाके इस प्रॉपर्टी को बेच दिया मिस्टर रोहित को, अब ये सेल किया मिस्टर मोहन ने, ये तो ट्रांसफर माना जाएगा। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से लोगे, जब गिफ्ट किया 2012 में तब से लोगे, या जब से मिस्टर श्याम ने खरीदी थी 2005 से तब से लोगे, तो जब से मिस्टर श्याम प्रीवियस ओनर ने खरीदी थी उस दिन से लेना है, मतलब प्रीवियस ओनर का पीरियड भी इंक्लूड करना है, तो 2005 से लेकर के 2020 तक क्या माना जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा। ऐसे एक एग्जांपल लिया था मैंने डिबेंचर वाला, कि डिबेंचर आपने परचेज किए थे 2016 में 5 लाख रुपए के, शेयर्स में कन्वर्ट हो गए 2019 में, और 2019 में शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, और मिस्टर बी ने क्या किया, क्या बोलते हैं, मिस्टर ए ने उन शेयर्स को 2021 में मिस्टर बी को बेच दिया, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग जो शेयर्स में कन्वर्ट हो गए डिबेंचर, इनके क्या लोगे, तो प्रीवियस एसेट की जो पीरियड ऑफ होल्डिंग थी, मतलब 2016 में डिबेंचर खरीदे थे उस दिन से लोगे, तो 2016 से लेकर के 2021 तक लोगे, नहीं कि 2019 से 2021 नहीं लोगे, 2016 से लेकर के 2021 लोगे। ये था मैंने बताया। तो पहला केस क्या था, अगर कैपिटल असेट आपकी प्रॉपर्टी बन जाता है ऐसे ट्रांजेक्शन से जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाता, तो प्रीवियस ओनर और प्रीवियस असेट का पीरियड भी आप पीरियड ऑफ होल्डिंग में ले लोगे। फिर देखा था अगर आपका असेट डिस्ट्रॉय हो जाता है उस केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक लोगे, डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन तक। अगर आप कैपिटल असेट को स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक लोगे, डेट ऑफ कन्वर्जन तक। अगर कैपिटल असेट का कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है तो कब तक लोगे पीरियड ऑफ होल्डिंग, डेट ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन तक। और अगर कंपनी के शेयर्स लिक्विडेशन में आपने हेल्ड कर रखे, कंपनी लिक्विडेशन में, तो उस केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक लोगे, डेट ऑफ लिक्विडेशन तक। अब कैपिटल गेन कैसे निकालोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, सेल कंसीडरेशन ले लो, ट्रांसफर के खर्चे लेस कर दो, नेट सेल कंसीडरेशन आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस कर दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा।
अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने का तरीका, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन ले लो, ट्रांसफर के खर्चे लेस कर दो, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यहाँ इंडेक्स वाली कॉस्ट लेस होगी, एक्विजिशन वाली भी और इंप्रूवमेंट वाली भी, दोनों इंडेक्स वाली लेस होंगी, आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अब इसमें नोट क्या था, कुछ केस में लॉन्ग टर्म होते हुए भी इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तीन केस थे जिसमें लॉन्ग टर्म होते हुए भी इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो बॉन्ड्स और डिबेंचर, बॉन्ड्स और डिबेंचर के केस में इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा दो बॉन्ड्स को छोड़ के, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरेन बॉन्ड्स, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरेन बॉन्ड्स में बॉन्ड्स का इंडेक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। तो स्लम सेल के केस में इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा चाहे लॉन्ग टर्म है, और डेप्रिसिएबल एसेट के केस में भी कभी भी इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएबल एसेट कौन होते हैं, जो बिजनेस के एसेट होते हैं, और बिजनेस के एसेट लैंड को छोड़ के वो सारे क्या होते हैं, डेप्रिसिएबल एसेट, तो डेप्रिसिएबल एसेट के केस में भी आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और डेप्रिसिएबल एसेट के केस में जो कैपिटल गेन आएगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म आएगा, हमेशा क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म, कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं माना जाएगा, चाहे पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना भी हो, हमेशा शॉर्ट टर्म आएगा। आगे देखा अपने सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन कैसे निकालोगे, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड और अक्रूइंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर करने से, कैपिटल एसेट के ट्रांसफर करने से जो अमाउंट आपको रिसीव हुई या जो अक्रू हो रही है, मतलब अभी आपको रिसीव नहीं हुई, ड्यू हो रखी है, तो वो भी आप सेल कंसिडरेशन में ले लोगे, मतलब सेल प्राइस आपको लेनी है, पूरी सेल प्राइस आपको लेनी है, ऐसा नहीं कि 10 लाख की प्रॉपर्टी भेजी, 8 लाख आपको मिले हैं और 2 लाख अभी ड्यू है तो 8 लाख ले लो, ऐसा नहीं करना, पूरा 10 लाख लेना है आपको, सेल प्राइस लेना है। अब इसमें आगे एक सेक्शन था सेक्शन 50 सी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग का सेल कंसिडरेशन निकालने का स्पेशल फॉर्मूला दे रखा है सेक्शन 50 सी में। ये बोलता है लैंड और बिल्डिंग के केस में आप सेल कंसिडरेशन कैसे निकालोगे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को कंपेयर करो सेल प्राइस से, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल प्राइस, इन दोनों में से जो भी हायर है वो क्या बनेगा, आपका सेल कंसिडरेशन बनेगा। अब इसमें एक नोट भी दे रखा है, अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का 110% तक है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का अप टू 110% तक है, तो क्या होगा, तो जो सेल कंसिडरेशन था ना आपका वो सेल प्राइस ही मान लिया जाएगा, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है सेल प्राइस का अप टू 110% है, तो सेल कंसिडरेशन क्या बन जाएगा, सेल प्राइस ही बन जाएगा, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था इसमें। इसके बाद आगे था, अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, तो आपके पास दो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू रहेंगी, एक तो एग्रीमेंट वाली, एक रजिस्ट्रेशन वाली, कौन सी लेनी है, तो अगर आपको पार्ट या होल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन अप टू डेट ऑफ एग्रीमेंट, ओनर बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट, या तो अकाउंट पे चेक या डीडी या ईसीएस से मिल जाता है, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेना एग्रीमेंट वाले दिन की। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, मतलब आपको कंसिडरेशन मिलता ही नहीं है एग्रीमेंट की डेट तक, या जो मिलता है वो कैश वगैरह में मिलता है, ऐसा केस है, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आपके लिए नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन के दिन की। इसके बाद देखा था अपन ने वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस करना, इसमें था अगर एसएससी मान लो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से एग्री नहीं होता, एसएससी को लग रही है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा निकाली हुई है, और वो उस केस को कोर्ट में चैलेंज नहीं करता, कोर्ट में चैलेंज नहीं करता, तो क्या कर सकता है एसएससी एओ को, असेसिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसका केस डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर दिया जाए। एओ चाहे तो, कंपलसरी नहीं है, एओ चाहे तो उसका केस डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है। अब वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा, वहां जाके एरिया में जाके वैल्यू निकाल के आएगा, अगर वैल्यूएशन अमाउंट जो उसने निकाली वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा निकाल दी, तो सेल कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मानी जाएगी, वैल्यूएशन अमाउंट नहीं मानी जाएगी। लेकिन उसने वैल्यूएशन अमाउंट स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम निकाली, तो सेल कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, वैल्यूएशन अमाउंट और सेल प्राइस, वैल्यूएशन अमाउंट और सेल प्राइस में से जो भी हायर है वो क्या बन जाएगा, सेल कंसिडरेशन। ये एग्जांपल मैंने समझाया था आपको। इसके बाद देखा अपन ने सेल कंसिडरेशन ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, सेक्शन 50 सी है, अगर अनलिस्टेड शेयर्स के केस में सेल कंसिडरेशन निकालना है तो कैसे निकालोगे, फेयर मार्केट वैल्यू लो उनकी और सेल प्राइस लो, इन दोनों में से जो भी हायर है वो क्या बनेगा, उनका सेल कंसिडरेशन। इसके बाद अगला केस देखा था सेल कंसिडरेशन ऐसे केस में जब सेल प्राइस आप ना तो या तो निकाल नहीं पा रहे या डिटरमाइन नहीं कर सकते, या तो असर्टेन नहीं कर सकते या डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो सेक्शन 50 डी लगेगा, वो बोलेगा कि ऐसे केस में सेल प्राइस की जगह क्या ले लो आप, उस असेट की फेयर मार्केट वैल्यू ले लो ट्रांसफर के दिन की, उस असेट की फेयर मार्केट वैल्यू ले लो ट्रांसफर के दिन की। अगला था ट्रांसफर के खर्चे, पहला पॉइंट देख लिया टेबल का, दूसरा पॉइंट था ट्रांसफर के खर्चे, तो ट्रांसफर एक्सपेंस का आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेल प्राइस में से, सेल कंसिडरेशन में से। तो ट्रांसफर के खर्चे क्या होते हैं, एक्सपेंस इनकर्ड बाय एसएससी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर करने पे, कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने पे जो खर्चे हुए ट्रांसफर के रिगार्डिंग, वो खर्चे क्या होते हैं, सैलर के जो खर्चे होते हैं वो होते हैं ट्रांसफर एक्सपेंस। लेकिन ट्रांसफर एक्सपेंस में एक खर्चे का डिडक्शन कभी नहीं मिलेगा आपको, एसटीटी का, एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एसटीटी लगता है शेयर्स वगैरह के केस में, लिस्टेड शेयर्स वगैरह के केस में एसटीटी लगता है, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, बाकी ट्रांसफर के खर्चों का डिडक्शन मिल जाएगा। ये देखा, इसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे, तो नॉर्मल केस में क्या है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में वो आपने कैपिटल एसेट परचेज किया था वो परचेज प्राइस आ जाएगी, परचेज प्राइस मतलब परचेज करते वक्त जो भी खर्चे लगे थे आपके ब्रोकरेज कमीशन वगैरह, जो भी खर्चे लगे थे परचेज करते वक्त, तो सारे खर्चे ले लेना एसटीटी को छोड़ के, तो एसटीटी ट्रांसफर के खर्चों में भी हटाना है और परचेज प्राइस में भी हटाना है, तो एसटीटी का कहीं भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ना तो ट्रांसफर करते वक्त डिडक्शन मिलेगा ना खरीदते वक्त डिडक्शन मिलेगा, तो परचेज प्राइस में सारे खर्चे ले लेना जब परचेज करते वक्त लगे थे एक एसटीटी को छोड़ के। इसके बाद देखा है आगे एक नोट बनाया था मैंने, एक नोट बताया था आपको कि आपने अमाउंट पे करी ताकि प्रॉपर्टी पे आपको क्लियर टाइटल मिल जाए, कोई लोन वगैरह था या कोई डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी पे, क्लियर टाइटल लेने के लिए आपने कोई अमाउंट पे करी 5 लाख 7 लाख, जो अमाउंट पे करी वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या मानी जाएगी, पार्ट मानी जाएगी, उसको भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट मान लेंगे। फिर अपने स्पेशल केस देखे कुछ, स्पेशल केस में पहला पॉइंट देखा, अगर आपको प्रॉपर्टी कैसे मिलती है ऐसे ट्रांजेक्शन से जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाता, जैसे गिफ्ट में मिल जाती है या
डिबेंचर्स की जगह आपको शेयर्स मिल जाते हैं कन्वर्ट होके, तो ऐसे केस में अब आप उस प्रॉपर्टी को जो गिफ्ट में मिली उसको बेच रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, वो तो आपको फ्री में मिली थी, तो ऐसे केस में क्या करना है आपको परचेज प्राइस जो लेनी हो प्रीवियस ओनर की लेनी है। किसकी लेनी है? प्रीवियस ओनर की परचेज प्राइस लेनी है। और अगर आपको मान लो डिबेंचर की जगह शेयर मिल गए कन्वर्ट हो गए, तो शेयर्स के लिए परचेज प्राइस क्या लेनी है? डिबेंचर की परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस जो लेनी है आपको प्रीवियस ओनर या प्रीवियस असेट की लेनी है ऐसे केस में। अगर प्रॉपर्टी आपकी कैसी बनती है, ऐसे ट्रांजेक्शन से जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाता, जो नो केस देखे थे अपने, 9 केस देखे थे सेक्शन 47 में। दूसरा केस क्या है? गुडविल, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, राइट टू मैन्युफैक्चर एनी आर्टिकल और थिंग, स्टेज परमिट, लूम हाउस, इनके केस में इंटेंजिबल असेट एक तरीके से। इनके केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे? अगर सेल्फ जनरेटेड है ये तो निल लोगे, परचेज है ये तो परचेज प्राइस ले लेना। इसमें एक नोट है, अगर गुडविल है प्रोफेशन की, गुडविल है और कैसी है? सेल्फ जनरेटेड है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है प्रोफेशन की, तो उस पर कभी भी कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। फिर देखा आपने बोनस शेयर। बोनस शेयर अगर आपने 1/4/2001 से पहले अलॉट किए हैं, कंपनी ने 1/4/2001 से पहले आपको अलॉट किए हैं, तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना उनकी 1/4/2001 की, और उसके बाद में अलॉट हुए हैं 1/4/2001 या उसके बाद में अलॉट हुए हैं, तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी? निल हो जाएगी। निल क्यों हो जाएगी? क्योंकि फ्री में मिलते हैं आपको। स्वेट इक्विटी शेयर के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे? जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया था एम्प्लॉई ने, उस दिन की एफएमबी ले लेना, वो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। राइट शेयर के केस में अगर राइट शेयर असेसी ने परचेज कर लिए हैं, तो परचेज प्राइस ले लेना। जो राइट ऑफर मिला था असेसी को, उसने असेसी ने उस ऑफर को बेच दिया या रिनाउंस कर दिया दूसरे पर्सन को, तो राइट ऑफर उसको असेसी को फ्री में मिला था क्योंकि वो कंपनी का शेयर होल्डर था, तो उस राइट ऑफर की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे क्या लोगे? निल लोगे। डेप्रिसिएबल असेट के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन क्या लेते हैं? WDV, रिटर्न ऑन वैल्यू। इसके बाद देखा था अगर आप असेट परचेज कर लेते हो 1/4/2001 से पहले, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे? तो इसमें फॉर्मूला लगाओगे आप, फेयर मार्केट वैल्यू देखो उसकी 1/4/2001 की, और जो परचेज प्राइस थी आपकी, इन दोनों को कंपेयर करो, जो भी हायर है वो क्या बन जाएगी आपकी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर प्रीवियस ओनर ने भी 1/4/2001 से पहले परचेज किया था, तो फेयर मार्केट वैल्यू देखो 1/4/2001 की, और परचेज प्राइस जो प्रीवियस ओनर की है, उन दोनों को कंपेयर करो, जो भी हायर आएगा वो क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पॉइंट नंबर 8 देखा था, अगर रिजल्टिंग कंपनी क्या करती है? डिमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर्स इशू करती है डिमर्जर में, तो उन शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? अगर वो शेयर होल्डर बाद में उन शेयर को बेचता है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे? तो डीमर्ज कंपनी में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो ले लो, उसको इंटू करो जितने असेट्स की नेट बुक वैल्यू डीमर्ज कंपनी ने रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर की है, वो नेट बुक वैल्यू ले लो और डिवाइड कर दो डीमर्ज कंपनी की नेटवर्थ से। ये आ जाएगी रिजल्टिंग कंपनी ने जो शेयर इशू करे हैं शेयर होल्डर को डीमर्ज कंपनी के, उनकी वैल्यू आ जाएगी, उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। फिर अपन ने देखा था इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे। लॉन्ग टर्म में आपको इंडेक्स करना पड़ता है तीन जगह को छोड़ के, एक स्लम सेल, डेप्रिसिएबल असेट और एक बोन्स और डिवेंचर। तो इंडेक्स कैसे करोगे? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लिया आपने, डिवाइड करो इंडेक्स फॉर ईयर इन विच असेट फर्स्ट हेल्ड बाई दी एसएससी। पहली बार एसएससी ने असेट कब हेल्ड किया था, मतलब पहली बार कब परचेज किया था, जब परचेज किया था उस ईयर के इंडेक्स डिवाइड कर दो, इंटू कर दो इंडेक्स फॉर असेट ट्रांसफर ईयर, ट्रांसफर ईयर के इंडेक्स से इंटू कर दो, ये आ जाएगी आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक केस लॉ था इसमें, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था मंजुला जे साह का, वो बोलता है कि जो प्रीवियस ओनर वाला केस है, प्रीवियस ओनर वाला केस है, उसमें आप इंडेक्स जो डिवाइड करोगे, तो देखो मान लो सन को गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिली थी 2009 में, और उसके पापा ने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी 2004 में खरीदी थी, 2004-05 में, तो कौन से ईयर के इंडेक्स से डिवाइड करोगे? प्रीवियस ओनर ने जब खरीदी थी उससे करोगे, या सन ने जब फर्स्ट हेल्ड करी थी उसे करोगे? तो वो केस लो बोलता है आप कर सकते हो ऐसे केस में, जब प्रीवियस ओनर ने प्रॉपर्टी परचेज करी थी ना उस ईयर के इंडेक्स से डिवाइड कर सकते हो, ये बोलता है केस लो। तो आप चाहो तो इंडेक्स उस केस में प्रीवियस ओनर ने जब परचेज करी थी उससे कर दो, या जब सन को गिफ्ट में मिली थी उस ईयर के इंडेक्स से कर दो, दोनों के दोनों आंसर आपके ठीक माने जाएंगे, दोनों के दोनों आंसर आपके ठीक माने जाएंगे। फिर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मैंने बताया था आपको, जो याद रखना है आपको 2001-02 का 100 याद रखना है, और 2021 का 301 ये आपको याद रखना है। अगर आपने असेट मान लो 2001 से पहले परचेज किया, 1/4/2001 से पहले, तो उससे पहले का कोई इंडेक्स नहीं है, कोई इंडेक्स आपको नहीं मिलेगा, तो डिवाइड कौन से ईयर के इंडेक्स से करोगे? तो ऐसे केस में इंडेक्स और परचेज ईयर क्या माना जाएगा? 2001-02 माना जाएगा, जो क्या है 100 लेना पड़ेगा आपको 2001 से पहले परचेज किया, तो अगर आपने प्रॉपर्टी 1/4/2001 से पहले। फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट की कॉस्ट क्या होती है? कैपिटल लेजर का जो भी खर्चा किया आपने कैपिटल एसेट के इंप्रूवमेंट के लिए, असेसी ने या प्रीवियस ओनर ने भी किया है, तो वो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कवर कर लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो होती है मेनली होती है बिल्डिंग पे, बिल्डिंग में आपने एक और फ्लोर बना दिया या रिकंस्ट्रक्शन किया बिल्डिंग का, ये सब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होती है। रिपेयर वगैरह की कॉस्ट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होती, कैपिटल नेचर की होनी चाहिए। कब किया कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपने? 1/4/2001 या उसके बाद किया तो ही कवर होगी, 1/4/2001 से पहले किया तो इग्नोर कर देंगे। इग्नोर क्यों कर देंगे? मैंने आपको बताया था ऊपर अपन एक फॉर्मूला लगाते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का। क्या लगाते हैं फॉर्मूला? ये देखो, ये रहा फेयर मार्केट वैल्यू वाला फॉर्मूला। तो यहाँ आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ती है या एक्चुअल कॉस्ट, विच एवर इज हायर करनी पड़ती है। इस कारण यहाँ पे अपन 1/4/2001 से पहले जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुई है, जो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हुई है, वो अपन इग्नोर कर देंगे, 1/4/2001 या उसके बाद वाली ही कवर करेंगे। इसके बाद देखा था अपने गुडविल, राइट टू मैन्युफैक्चर एनी आर्टिकल और थिंग के केस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा क्या लोगे? निल लोगे।
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे करोगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकाल ली, डिवाइड कर दो इंडेक्स फॉर इंप्रूवमेंट ईयर, जिस ईयर में इंप्रूवमेंट किया उस ईयर के इंडेक्स इंटू कर दो, उस ईयर के इंडेक्स डिवाइड कर दो इंटू कर दो इंडेक्स फॉर ट्रांसफर ईयर, इंडेक्स फॉर ट्रांसफर ईयर इंटू कर दो, ये आपके आ जाएगी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब इसके बाद देखा था अपने कैपिटल गेन इन स्पेशल केस, स्पेशल केस में कैपिटल गेन कैसे निकालोगे। पहला स्पेशल केस था कैपिटल एसेट आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी से आपको अमाउंट या अदर एसेट मिलता है, तो सेल नहीं किया, स्पेशल केस है ये, तो सेल कंसिडरेशन क्या लोगे, तो जो आपको अमाउंट मिला इंश्योरेंस कंपनी से वो अमाउंट ले लो। अगर अगर अदर एसेट मिला, मान लो मशीन डिस्ट्रॉय हुई, मशीन डिस्ट्रॉय हुई और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दूसरी मशीन दे दी, तो उस मशीन की क्या ले लो, फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। कैपिटल गेन टैक्सेबल कब होगा, उस ईयर में टैक्सेबल होगा जब आपको क्लेम मिला, उस ईयर में टैक्सेबल होगा। लेकिन इंडेक्स फॉर ट्रांसफर ईयर, ट्रांसफर ईयर कौन सा मान लिया जाएगा, इंडेक्स फॉर ट्रांसफर ईयर कौन सा लोगे इंटू करने के लिए, जिस ईयर में डिस्ट्रक्शन हुआ उस ईयर के इंडेक्स से इंटू करोगे। अगर क्लेम ही नहीं मिलता तो कोई कैपिटल गेन तो आएगा ही नहीं, लॉस आएगा, और लॉस क्या माना जाएगा, डेड लॉस, मतलब उस लॉस को आप किसी से सेटअप नहीं कर सकते, वो लॉस आपका डूब गया, डेड लॉस है वो। दूसरा पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कैपिटल एसेट को आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो सेल अमाउंट क्या लोगे, जिस दिन आपने कन्वर्ट किया उस दिन उस कैपिटल एसेट की एफएमवी क्या थी, वो क्या बन जाएगी, सेल कंसिडरेशन। टैक्सेबल कब होगा, जब वो स्टॉक बिक जाएगा, जो स्टॉक में कन्वर्ट किया ना वो स्टॉक बिक जाएगा तब टैक्सेबल होगा, उस ईयर में टैक्सेबल होगा। लेकिन ट्रांसफर ईयर कौन सा माना जाएगा, इंडेक्स फॉर ट्रांसफर ईयर क्या लोगे, अगर लॉन्ग टर्म है तो जिस ईयर में कन्वर्ट किया वो ईयर माना जाएगा ट्रांसफर ईयर, और उस ईयर का इंडेक्स लोगे। इस केस में बिजनेस इनकम भी निकलेगी, बिजनेस इनकम कितनी निकलेगी, सेल अमाउंट ऑफ स्टॉक कितने में, जो जितने में स्टॉक बेचा उसमें से लेस कर दो उस असेट की एफएमबी, कन्वर्जन वाले दिन की उस असेट की एफएमबी लेस कर दो, ये निकल जाएगी बिजनेस इनकम। अगर आप प्रोपोर्शनेट स्टॉक होल्ड करते हो तो कैपिटल गेन प्रोपोर्शनेट निकलेगा, प्रोपोर्शनेट टैक्सेबल होगा, तो पहले पूरा कैपिटल गेन निकाल लो और फिर प्रोपोर्शनेट उसमें से टैक्सेबल कर दो। पॉइंट नंबर थ्री था, कैपिटल असेट फर्म एओपीबीवाई में कोई पार्टनर या मेंबर एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेके आया, तो ये पार्टनर या मेंबर के हैंड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि उसने ट्रांसफर कर दिया वो प्रॉपर्टी किसको, फर्म को। तो सेल कंसिडरेशन क्या लोगे, जितना अमाउंट उस फर्म एओपीबीवाई ने पार्टनर या मेंबर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया है, जितने में मान लो उसने बुक्स में रिकॉर्ड किया उस असेट को या पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट किया है, वो क्या बन जाएगा, उसका सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। पॉइंट नंबर फोर, कैपिटल असेट डिस्ट्रीब्यूट किया फर्म एओपीबीवाई ने डिसोल्यूशन में, डिसोल्यूशन में एक चीज हो रहा है, अगर रिटायरमेंट में भी डिस्ट्रीब्यूट करती है फर्म किसी पार्टनर को, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा पॉइंट नंबर फोर में। तो किसके एंड में टैक्सेबल होगा, ये फर्म एओपीबीवाई, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो ट्रांसफर कर रही है। सेल कंसिडरेशन क्या लोगे, जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट किया, जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन की कैपिटल असेट की एफएमवी ले लेना, वो बन जाएगी सेल कंसिडरेशन, क्योंकि फर्म फ्री में बांटेगी पार्टनर को उसी कैपिटल के बदले में, तो उसकी एसेट की, उस कैपिटल असेट की क्या ले लेंगे अपन, एफएमवी क्या ले लेंगे, सेल कंसिडरेशन ले लेंगे। पॉइंट नंबर फाइव, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, गवर्नमेंट क्या करती है आपके कैपिटल असेट का कंपलसरी एक्विजिशन कर लेती है, जबरदस्ती एक्वायर कर लेती है आपके कैपिटल असेट को, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, गवर्नमेंट से कंपनसेशन मिलता है। एक होता है नॉर्मल कंपनसेशन, तो नॉर्मल कंपनसेशन मिला आपको, कंपनसरी एक्विजिशन हुआ कैपिटल असेट का, तो सेल कंसेशन क्या ले लो, वो कंपनसेशन अमाउंट ले लेना। टैक्सेबल कब होगा, जब कंपनसेशन आपको रिसीव हो जाएगा उस ईयर में टैक्सेबल होगा। और इसमें एक पॉइंट हो रहा है, जिस ईयर में आपको कंपनसेशन थोड़ा सा भी रिसीव हो गया उस ईयर में पूरा का पूरा कंपनसेशन टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो आपका कंपनसेशन 15 लाख का बनता था और 2021 में आपको मान लो 1 लाख कंपनसेशन भी रिसीव हो गया, तो पूरा का पूरा 15 लाख 2021 में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इंडेक्स फॉर ट्रांसफर ईयर, ट्रांसफर ईयर कौन सा माना जाएगा, जिस ईयर में एसेट कंपलसरी एक्वायर हुआ वो ट्रांसफर ईयर माना जाएगा, और उस ईयर के इंडेक्स से इंटू करोगे अगर लॉन्ग टर्म है तो। एक होता है इनहेंस कंपनसेशन, आप कंपनसेशन से एग्री नहीं हुए, कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने आपका कंपनसेशन बढ़ा दिया, तो वो होता है इनहेंस कंपनसेशन। तो इनहेंस कंपनसेशन के लिए सेल कंसिडरेशन क्या लोगे, इनहेंस कंपनसेशन अमाउंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी इसकी, नील होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप ऑलरेडी नॉर्मल में से लेस कर चुके, तो इनहेंस के लिए क्या होगी, नील होगी। कब टैक्सेबल होगा, जिस ईयर में रिसीव होगा उस ईयर में टैक्सेबल होगा, जितना जितना रिसीव होगा उस बेस पे टैक्सेबल होता जाएगा। एक होता है इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, इनहेंस कंपनसेशन, इंटरेस्ट मिला कंपनसेशन इनहेंस कंपनसेशन पे, ये अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है, यहाँ टैक्सेबल नहीं होता। फिर देखा था अपन ने एग्जेम्पशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, सेक्शन 1037 में, अगर किसी इंडिविजुअल एचयूएफ की अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कौन सी थी, अर्बन, कैपिटल एसेट है अर्बन, तो रूरल नहीं, अर्बन, रूरल होती तो कैपिटल एसेट ही नहीं होती, कैपिटल गेन ही नहीं लगता, ये तो अर्बन थी, उसका गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया, किसकी थी, इंडिविजुअल एचयूएफ की, तो उस पर जो कैपिटल गेन होगा ना पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वो जो लैंड थी वो खेती में काम आ रही थी, एग्रीकल्चर में काम आ रही थी पीछे के दो सालों में, ट्रांसफर की डेट से पीछे के दो सालों में, एक्विजिशन की डेट से, कंपलसरी एक्विजिशन की डेट से पीछे के दो सालों में खेती में काम आ रही थी, या तो इंडिविजुअल यूज़ कर रहा था, या एचयूएफ यूज़ कर रही थी, या उनके पेरेंट्स यूज़ कर रहे थे, तो जो कैपिटल गेन हुआ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर देखा अपन ने कैपिटल असेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ लिक्विडेशन पे, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी क्या कर रही है, पहले तो अपना पेमेंट वगैरह कर देती है लिक्विडेटर वगैरह का, क्रेडिटर वगैरह का, फिर जो बच जाता है लास्ट में वो इक्विटी शेयर्स को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो सेक्शन 46 बोलता है वो कंपनी के एंड्स में टैक्सेबल नहीं होगा, कंपनी के एंड्स में टैक्सेबल नहीं होगा, जबकि डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रही है, कंपनी, वो शेयर होल्डर के एंड्स में टैक्सेबल होगा। ये माना जाएगा कि शेयर होल्डर ने अपने शेयर कंपनी को वापस दे दिए और उसके बदले में शेयर होल्डर को कंपनी से क्या मिल रहा है, असेट वगैरह मिल रहे हैं, तो टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर के एंड्स में। सेल अमाउंट क्या लोगे, सेल कंसिडरेशन क्या लोगे,
तो शेयर होल्डर को जो असेट मिला उस एसेट की एफएमवी ले लेना, अगर शेयर होल्डर को कंपनी से एसेट मिला तो उस एसेट की एफएमवी ले लेना, और जो अमाउंट मिली, जो भी अमाउंट मिली वो अमाउंट ले लेना। कभी कभी अमाउंट भी दे देती है कंपनी, कैश वगैरह कंपनी के पास पड़ा होता है तो अमाउंट भी दे देती है, तो असेट की एफएमवी और अमाउंट रिसीव्ड ले लेना। इसमें से क्या लेस कर देना, कंपनी के जो रिजर्व्स एंड सरप्लस थे, कंपनी का जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड सरप्लस थे, उसमें शेयर होल्डर का कितना हिस्सा था, उसमें शेयर होल्डर का कितना हिस्सा था, मान लो 10% हिस्सा था, रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,00,000 के थे, तो 1,00,000 का 10% कर दो, 10,000 वो लेस कर देना, ये आ जाएगा आपका सेल कंसिडरेशन। क्या आ जाएगा ये, सेल कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, शेयर होल्डर वापस क्या दे रहा है कंपनी को, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, शेयर होल्डर वापस कंपनी को शेयर्स दे रहा है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, परचेज प्राइस ऑफ शेयर्स, परचेज प्राइस ऑफ शेयर हो जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स भी कर सकते हो। आगे है बायबैक ऑफ शेयर्स, सेक्शन 46A, बायबैक ऑफ शेयर अगर डोमेस्टिक कंपनी करती है बायबैक, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, तो कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, मतलब कंपनी शेयर खरीद रही है कंपनी को ही टैक्स देना पड़ेगा, एक एडिशनल टैक्स लगता है एट द रेट 23.296% टैक्स लगेगा, जिसमें 20% टैक्स का है, 12% सरचार्ज और 4% सेस है, तो ये रेट है नेट रेट अंडर सेक्शन 115QA के अंदर, एक ये एडिशनल टैक्स लगेगा, कंपनी को ही टैक्स देना पड़ जाएगा खरीदने में। और शेयर होल्डर के केस में वो कैपिटल गेन जो निकलेगा बायबैक प्राइस माइनस परचेज प्राइस वाला, वो कैपिटल गेन 1034A में एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अदर कंपनी बायबैक करती है, जैसे फॉरेन कंपनी बायबैक करती है, तो कंपनी को टैक्स नहीं देना, जिस शेयर होल्डर से कंपनी खरीद रही है तो शेयर होल्डर को टैक्स देना है, कैपिटल गेन उसी को लगेगा। कितना कैपिटल गेन आएगा, कंपनी मान लो 1,00,000 में खरीद रही है और शेयर्स जो शेयर होल्डर ने खरीदे थे वो खरीदे थे 60,000 में, तो बायबैक प्राइस 1,00,000 है, परचेज प्राइस है 60,000, 1,00,000 माइनस 60,000 ये कैपिटल गेन आ जाएगा। लेकिन डोमेस्टिक कंपनी कर रही है तो परचेज करने वाली कंपनी को ही टैक्स देना पड़ जाएगा, सेक्शन 115QA, 115QA में 23.296% की रेट्स। अगला था स्लम सेल, सेक्शन 50B, सबसे इंपॉर्टेंट जो काफ़ी बार आता है इसमें। आपने एक यूनिट या अंडरटेकिंग, आपके बिजनेस की एक यूनिट थी, पूरी की पूरी यूनिट बेच दी, जैसे मान लो रिलायंस की 3-4 यूनिट है, टेलीकॉम है एक यूनिट पेट्रोलियम यूनिट है एक, मान लो कपड़ों की यूनिट है, तो रिलायंस ने अपनी पेट्रोलियम यूनिट पूरी की पूरी किसी और को बेच दी, एक इंडिविजुअल असेट नहीं बेचा, पूरी यूनिट ही बेच दी, वो होता है स्लम सेल। अगर आपने यूनिट 3 साल तक हेल्ड कर रखी थी तो शॉर्ट टर्म होगा, 3 साल से ज़्यादा हेल्ड कर रखी तो लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि अदर एसेट में आता है ये स्लम सेल। तो सेल कंसिडरेशन ले लो, ट्रांसफर के खर्चे लेस कर दो, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ लेस करेंगे ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे अपन, उस यूनिट की जो आप बेच रहे हो, जिसका स्लम सेल कर रहे हो, उसकी नेटवर्थ लेनी है आपको, और नेटवर्थ का कभी भी इंडेक्स नहीं करना, मैंने पहले ही बताया था, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म, स्लम सेल के केस में कभी भी अपन इंडेक्स नहीं करेंगे, डायरेक्ट लेस कर देंगे, आपका जाएगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो इक्वल आएगा, बस टैक्स की रेट अलग अलग होगी, बाकी आएगा आंसर सेम, चाहे शॉर्ट टर्म आए चाहे लॉन्ग टर्म एक ही आएगा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वगैरह कुछ नहीं होती। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लोगे, नेटवर्थ कैसे निकालोगे, तो असेट्स की टोटल वैल्यू ले लो, उस यूनिट की असेट्स की टोटल वैल्यू और उस यूनिट्स की जो लाइबिलिटीज हैं उनकी बुक वैल्यू लेस कर दो, ये आप क्या जाएगी नेटवर्थ ऑफ यूनिट। अब असेट्स की वैल्यू क्या लोगे, तो डेप्रिशिएबल असेट है, अगर डेप्रिशिएबल असेट है तो उनकी एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 43(6) में जो WDV बता रखी है, इनकम टैक्स वाली WDV, इनकम टैक्स एक्ट वाली, वो WDV ले लो। अगर नहीं दे रखी तो कैलकुलेट करने का ट्राई करो, कैलकुलेट भी नहीं हो सकती तो जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में वही वैल्यू ले लो, वो WDV मान लो। सेक्शन 35AD असेट है, स्पेसिफाइड बिजनेस का असेट है, तो उसकी वैल्यू क्या लोगे, नील लोगे। और कोई अदर असेट है जैसे स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, लैंड हो गया, तो उनकी क्या लोगे आप वैल्यू, बुक वैल्यू लोगे। इसमें नोट क्या था, अगर फिक्स एसेट का रिवैल्यूएशन होता है अपवार्ड या डाउनवार्ड, उसको रिमूव करना है आपको, और अगर करंट एसेट का ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन कर रखा है उसको भी आपको रिमूव करना है, उनको भी रिमूव करना है, रिवैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन वगैरह को आपको रिमूव करना, चाहे अपवार्ड कर रखा हो चाहे डाउनवर्ड कर रखा हो, सारा आपको रिमूव करना है। फिर अपने केस नंबर 9 देखा था, कैपिटल गेन इन केस ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या होता है, इंडिविजुअल एचयूएफ क्या करता है, अपनी लैंड और बिल्डिंग इंडिविजुअल एचयूएफ की, उसका पजेशन वो बिल्डर या डेवलपर को दे देता है, बिल्डर या डेवलपर को हैंड ओवर कर देता है, तो ट्रांसफर हो गया वैसे तो। अब बिल्डर डेवलपर क्या करता है, जब उस पजेशन पे, उस लैंड और बिल्डिंग पे उसको पजेशन मिलकर बिल्डर डेवलपर को, वो क्या करता है उस पर फ्लैट्स वगैरह बनाता है या कोई प्रोजेक्ट बनाता है, और उस प्रोजेक्ट में वो क्या करता है, उस इंडिविजुअल एचयूएफ को कुछ शेयर दे देता है, कुछ शेयर दे देता है। पहले तो इंडिविजुअल एचयूएफ क्या करता है, लैंड और बिल्डिंग का पजेशन बिल्डर को दे देता है, और बिल्डर क्या करता है, जब उस लैंड और बिल्डिंग पे कोई प्रोजेक्ट बनाता है या फ्लैट्स वगैरह बनाता है, उसमें से कुछ शेयर उस इंडिविजुअल को दे देता है, ये होता है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। तो अब इंडिविजुअल एचयूएफ ने क्या किया, लैंड और बिल्डिंग का पजेशन ट्रांसफर किया। पजेशन ट्रांसफर करना क्या होता है, ट्रांसफर माना जाता है, मैंने बताया था ट्रांसफर की डेफिनेशन। तो सेल कंसिडरेशन क्या लोगे इस केस में, तो इंडिविजुअल एचयूएफ को देखो क्या मिला, शेयर इन प्रोजेक्ट मिला, तो जो प्रोजेक्ट मिला बिल्डर से, शेयर इन प्रोजेक्ट जो मिला, उसकी आपको स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है। कब की लेनी है, जब बिल्डर को उस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, जिस दिन बिल्डर को उस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया उस दिन की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है उस शेयर की, उस प्रोजेक्ट के शेयर की। प्लस कभी कभी क्या होता है, बिल्डर थोड़ा बहुत अमाउंट भी दे देता है उस इंडिविजुअल को, थोड़ा बहुत अमाउंट भी दे देता है स्टार्टिंग में 2-3 लाख रुपए, तो जो अमाउंट दे रखा है वो अमाउंट भी ले लेना, वो बन जाएगा सेल कंसिडरेशन। कैपिटल गेन टैक्सेबल कब होगा, टैक्सेबल तब होगा जब बिल्डर को इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पजेशन तो ट्रांसफर पहले ही हो गया था, लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मान लो 5 साल बाद मिला, तो 5 साल बाद कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। लेकिन ट्रांसफर ईयर कौन सा माना जाएगा, मतलब इंडेक्स
से कौन से इंडेक्स से इंटू करोगे आप, ट्रांसफर का इंडेक्स क्या लोगे। तो जिस ईयर में इंडिविजुअल एचयूएफ ने बिल्डर को पजेशन हैंडओवर किया था उस ईयर के इंडेक्स से आप क्या करोगे, इंटू करोगे। अगर लॉन्ग टर्म है तो उस ईयर को ट्रांसफर ईयर माना जाएगा, बस टैक्सेबल बाद में होगा जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब वो टैक्सेबल होगा। फिर देखा था अपने एडवांस मनी फॉरफिट सेक्शन 51। एडवांस मनी फॉरफिट क्या होती है, लैंड और बिल्डिंग के केस में होती है जैसे मेनली। तो मिस्टर ए, मान लो मिस्टर ए की प्रॉपर्टी थी, एक लैंड था, उसने एक एग्रीमेंट किया मिस्टर बी से सेल करने का, और बदले में मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर ए को कुछ एडवांस दे दिया, 40-50 हज़ार रुपये का एडवांस दे दिया। बाद में मिस्टर बी वो प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाया और मिस्टर ए ने जो एडवांस उसको मिला हुआ था मिस्टर बी से उसको फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया, खुद के पास रख लिया। जो एडवांस मिला था 50 हज़ार का उसको खुद के पास रख लिया, ये होता है एडवांस मनी फॉरफिट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे, अगर आपने फॉरफिट किया है एडवांस मनी को 1/4/2014 से पहले, 1/4/2014 से पहले फॉरफिट किया है, तो जब आप उस असेट को एक्चुअल में बेचोगे, उस कैपिटल असेट को एक्चुअल में बेचोगे, तो उसकी कॉस्ट में से क्या कर देना, उस फॉरफिट वाली अमाउंट को लेस कर देना, उसकी कॉस्ट में से फॉरफिट वाली अमाउंट को क्या कर देना, लेस कर देना। लेकिन अगर आपने फॉरफिट कब किया है, 1/4/2014 या उसके बाद किया, 1/4/2014 या उसके बाद किया है, तो ये एडवांस मनी फॉरफिट कहाँ टैक्सेबल होगी, अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। जितनी भी फॉरफिट कर रखी है अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, कॉस्ट में से लेस नहीं करनी। इसमें नोट और था, अगर प्रीवियस ओनर ने फॉरफिट की है, प्रीवियस ओनर ने फॉरफिट की है, तो उस अमाउंट को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, उसको इग्नोर करना है। इसके बाद देखा था अपने कैपिटल गेन की एग्जम्पशन। कैपिटल गेन में से आपको एग्जम्पशन मिलती है सेक्शन 54, 54B, 54D, फिर 54EC, EE, F और फिर GGA और GB। ये 9 सेक्शन देखे थे कैपिटल गेन की एग्जम्पशन। कैपिटल गेन निकाला आपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उसमें से आपको एग्जम्पशन मिलती है। जैसे आप एग्जम्पशन लेस करते हो आपका आ जाता है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ जाती है। अभी एग्जम्पशन कौन कौन सी होती है वो अपन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखी थी अपने सेक्शन 54। सेक्शन 54 की एग्जम्पशन मिलती है इंडिविजुअल और एचयूएफ को। क्या बेचने पर मिलती है, जब वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बेचते हैं। दो तरह की बिल्डिंग होती है, कमर्शियल बिल्डिंग, एक रेजिडेंशियल। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग बेचते हैं, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो उनको एग्जम्पशन मिलती है, हाउस प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग। और कैपिटल गेन कैसा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया बिल्डिंग बेचने पे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बेचने पे। अब कैपिटल गेन हुआ, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, उस इंडिविजुअल बच्चों को, उनको इंडिया के अंदर एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है, इंडिया के अंदर एक बिल्डिंग खरीदनी है। कौन सी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग खरीदनी है। अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपये तक है, 2 करोड़ रुपये तक है, तो 2 हाउस भी अलाउड है, उनको एक हाउस में इन्वेस्ट करना है। और अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपये तक है, 2 करोड़ रुपये तक कैपिटल गेन आया है, तो 2 हाउस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2 हाउस भी अलाउड है। अब इन्वेस्ट कब तक करना है, जब ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के 1 साल के पहले पहले, मैक्सिमम 1 साल के पहले पहले, या 2 साल के अंदर अंदर उनको परचेज करनी पड़ेगी, या 3 साल के अंदर अंदर उनको कंस्ट्रक्ट करवानी पड़ेगी। क्या, रेजिडेंशियल हाउस, रेजिडेंशियल बिल्डिंग परचेज करनी पड़ेगी या कंस्ट्रक्ट करवानी पड़ेगी। एग्जम्पशन लिमिट क्या मिलेगी, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड, इनमें से जो भी लोअर होगा वो एग्जम्पशन लिमिट मिल जाएगी। अब विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन, अगर वो इंडिविजुअल चूज क्या कर देते हैं, नए सेट को, जो नई बिल्डिंग उन्होंने खरीदी है उसको 3 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं, तो जो अमाउंट एग्जम्प्ट हुई थी वो विड्रॉ कर ली जाएगी। विड्रॉ भी कैसे कर ली जाएगी, जो नया सेट है उसकी कॉस्ट में से कम कर ली जाएगी, उसकी कॉस्ट में से अपन उसको लेस कर देंगे। अदर पॉइंट देखे थे अपन ने, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट कर दिया, अभी आपके पास टाइटल नहीं आया प्रॉपर्टी का, या पजेशन नहीं आया, या कागज वगैरह नहीं आए, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, सफिशियंट है, पेमेंट कर दिया तो काम हो जाएगा आपका, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। 3 साल के अंदर जो टाइम दे रखा है, 3 साल 2 साल का, उसमें पेमेंट भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जो रेजिडेंशियल हाउस आप खरीदोगे या बेचोगे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकता है, लेट आउट भी। ऐसा नहीं कि खाली सेल्फ ऑक्यूपाइड होना जरूरी है, अगर आपने लेट आउट कर रखा था तो कमर्शियल नहीं बन जाएगा, वो लेट आउट भी चलेगा, लेट आउट भी चलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी चलेगा। बस कमर्शियल बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, रेजिडेंशियल होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, अगर मान लो 2 एडजेसेंट फ्लैट आपने लिए, 2 एडजेसेंट फ्लैट मतलब साइड बाई साइड 2 फ्लैट खरीदे आपने, 2 साइड बाई साइड फ्लैट खरीदे, उनको एक ही रेजिडेंशियल हाउस माना जाएगा। 2 साइड बाई साइड 2 फ्लैट खरीदे उनको एक क्या माना जाएगा, रेजिडेंशियल हाउस ही माना जाएगा। इसके बाद अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग की कॉस्ट भी लोगे और लैंड की कॉस्ट, दोनों को एलिजिबल है, लैंड वाली कॉस्ट भी और बिल्डिंग वाली कॉस्ट दोनों को क्या माना जाएगा, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट मान लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट किसी और के नाम पर करते हो, वाइफ के नाम पर, बच्चों के नाम पर, या कोनर बन के करते हो, तो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। ये कुछ अदर पॉइंट थे केस लॉ के बेस पे। फिर सेक्शन 54 भी इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगी, क्या बेचने पे, अर्बन एग्रीकल्चर उन्होंने ट्रांसफर किया। कैपिटल गेन कौन सा होना चाहिए, चाहे शॉर्ट टर्म हुआ चाहे लॉन्ग टर्म हुआ। क्या खरीदना है उनको, एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है। कब तक खरीदना है, 2 साल के अंदर अंदर खरीदना है। कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड जो भी लोअर होगा वो उनको एग्जम्पशन मिल जाएगी। अगर नए एसेट को 3 साल के अंदर ट्रांसफर करते तो एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। अदर पॉइंट क्या थे, जो असर ट्रांसफर किया वो 2 साल खेती में काम आना चाहिए। दूसरा, अगर वो पेमेंट भी कर देता है इंडिविजुअल एचयूएफ उसके लिए दूसरा सेट खरीदने के लिए, अभी उसके पास टाइटल नहीं आया, तो वो भी सफिशियंट। और तीसरा, किसी के भी नाम पे खरीदता है, किसी के भी नाम पे, तो भी उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। एक अपने देखा था कंपलसरी एक्विजिशन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का, वो सेक्शन 1037 में एग्जम्प्ट हो जाता है। ये सेल वाला केस है। 54 भी क्या है, कंपलसरी एक्विजिशन वाला केस नहीं है, सेल वाला केस है। सेल करते हो तो या एग्जम्पशन मिल जाएगी, और अगर इंडिविजुअल एचयूएफ का अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपलसरी एक्वायर हो जाता है तो सेक्शन 1037 में पूरा ही एग्जम्प्ट हो जाएगा। वो अपने पढ़ा था ना ऊपर। इसके बाद सेक्शन 54D, किसी भी पर्सन
सब पर्सन को एग्जेंप्शन मिलेगी, कंपनी हो चाहे फर्म हो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे एचयूएफ हो। कब मिलेगी? कोई लैंड और बिल्डिंग थी इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री की लैंड और बिल्डिंग थी, उसका गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया और कैपिटल गेन हुआ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। उसके बाद असेसी को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसमें, दूसरी लैंड और बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी इंडस्ट्री के लिए, दूसरी लैंड और बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी। पहले गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर किया लैंड और बिल्डिंग का, अब असेसी को क्या करना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा लैंड और बिल्डिंग खरीदने में, दूसरी लैंड और बिल्डिंग वो भी किसकी, इंडस्ट्री की। कब तक? 3 साल के अंदर अंदर। कितना एग्जेंप्शन मिलेगा? कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर। अगर नए एसेट को 3 साल के अंदर अंदर ट्रांसफर कर देता है तो जो अमाउंट पहले एग्जेंप्ट हुई थी वो विड्रॉ हो जाएगी, एग्जेंप्शन आपकी विड्रॉ हो जाएगी। इसके बाद इसमें एक पॉइंट था कि असेट जो ट्रांसफर हुई है वो 2 साल से इंडस्ट्री में काम आनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट था अगर आप पेमेंट भी कर देते हो, अभी आपको कागज वगैरह नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट भी कर देते हो विद इन टाइम लिमिट में तो अभी आपको एग्जेंप्शन मिल जाएगी। इसके बाद देखा था अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन 54EC की एग्जेंप्शन किसी भी पर्सन, सभी पर्सन को मिलेगी क्या ट्रांसफर करने पे, लैंड और बिल्डिंग, लैंड कैसी भी, लैंड कैसी भी बिल्डिंग चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कैसी भी बिल्डिंग हो उसको ट्रांसफर करने पे अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपको एग्जेंप्शन मिलेगी। किसमें इन्वेस्ट करना है आपको, NHAI या RECI के बॉन्ड्स में, NHAI या RECI के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है जो 5 साल बाद रिडीम होने वाले हैं, उन बॉन्ड्स में आपको इन्वेस्ट करना है। कब तक इन्वेस्ट करना है? 6 महीने के अंदर अंदर, ट्रांसफर की डेट से 6 मंथ के अंदर अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। एग्जेंप्शन कितनी मिलेगी? कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड और ₹50 लाख, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा उतनी एग्जेंप्शन आपको मिल जाएगी। अगर आप नए एसेट को 5 साल के अंदर अंदर ट्रांसफर कर देते हो तो जो आपको एग्जेंप्शन पहले मिली थी वो टैक्सेबल हो जाएगी एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब एग्जेंप्शन आपकी विड्रॉ हो जाएगी। इसके बाद इसमें पॉइंट था पॉइंट, अगर आप पेमेंट भी कर देते हो, अभी आपको बॉन्ड्स का अलॉटमेंट नहीं हुआ, पेमेंट कर दिया 6 महीने के अंदर अंदर, बॉन्ड्स का अलॉटमेंट बाद में हो रहा है तो अभी आपको एग्जेंप्शन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक केस था कन्वर्जन वाला, अगर आप लैंड और बिल्डिंग को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो, लैंड और बिल्डिंग को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो ट्रांसफर माना जाता है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट जो करना है आपको 6 महीने के अंदर अंदर कौन सी डेट से करना है, कन्वर्जन वाली डेट से करना है या जब स्टॉक सेल होगा उस डेट से? तो ट्रांसफर तो जब मान लिया जाता है जब कन्वर्जन हो जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कब तक करना है? इन्वेस्टमेंट तब करना है जब आपका स्टॉक सेल हो जाएगा, क्योंकि पैसा तब आएगा आपके पास जब स्टॉक सेल हो जाएगा। तो 6 महीने कब से लेंगे? जब स्टॉक सेल हो जाएगा उस दिन से आपको 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्ट करना है इस वाले केस में, अगर ऐसा केस है तो। दूसरा 54EE बिल्कुल फालतू सेक्शन था, एनी पर्सन, सभी पर्सन को मिलेगी, कोई भी कैपिटल एसेट बेचे और उस पर क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। इन्वेस्ट किसमें करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ यूनिट्स है स्पेसिफाइड फंड की स्टार्टअप के रिगार्डिंग, उन यूनिट्स में आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। कब तक करना है? 6 महीने के अंदर अंदर। एग्जिबिशन कितनी मिलेगी? कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड और ₹50 लाख विच एवर इज लोअर। ये पूरी लिमिट है, ऐसा नहीं है कि हर यूनिट की अलग अलग लिमिट है, पूरी सभी यूनिट की मिला के पूरी 50 लाख की लिमिट है मैक्सिमम लिमिट। अगर आप नए एसेट को 3 साल के अंदर अंदर बेच देते हो तो जो एग्जिबिशन मिली वो विड्रॉ हो जाएगी। अगर आप पेमेंट भी कर देते हो, अलॉटमेंट बाद में हुआ आपको यूनिट्स का, तो भी आपको क्या मिल जाएगी, एग्जिबिशन मिल जाएगी। सेक्शन 54F ये मिलेगी इंडिविजुअल HUF को, क्या ट्रांसफर करने पे, कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया किसको छोड़ के, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफर करते हो और रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करते हो तो वो 54 में कवर हो जाता है। तो इस कारण क्या बोला, कोई भी कैपिटल एसेट अगर आपने बेचा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, और इंडिया में क्या खरीद लिया आपने, 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में खरीद ली। कब खरीदी? 1 साल पहले, 2 साल के अंदर अंदर या 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्ट करवा ली, तो यहाँ एग्जिबिशन मिलेगी। यहाँ एग्जिबिशन अलग तरीके से मिलेगी, जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया उसको डिवाइड करो, नेट सेल कंसिडरेशन जो था आपका उसे डिवाइड करो और जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था उससे इंटू कर दो, ये आ जाएगी आपकी एग्जिबिशन लिमिट। अगर नए एसेट को आप 3 साल के अंदर अंदर बेच देते हो तो जितना अमाउंट पहले एग्जम्प्ट हुआ था वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके बाद पेमेंट भी करते हो तो सफिशियंट है, दूसरा किसी और के नाम पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको एग्जिबिशन मिल जाएगी। तीसरा, जब आप ट्रांसफर कर रहे हो, जिस दिन आप कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हो उस दिन आपके पास 1 से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए, तो ही यहाँ एग्जिबिशन मिलती है। एक स्पेशल पॉइंट है इस सेक्शन का। तो देखो ये 6 सेक्शन में देखो क्या था, स्टार्टिंग के 3 सेक्शन 54, 54B और 54D। यहाँ पे आप सेम असेट बेच के सेम वैरायटी का असेट खरीद रहे हो, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने खरीदी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची, एग्रीकल्चर लैंड खरीदी। यहाँ लैंड और बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन हुआ इंडस्ट्रियल यूनिट की, और क्या खरीदी आपने, लैंड और बिल्डिंग खरीदी इंडस्ट्रियल यूनिट की, तो सेम बेच के सेम चीज़ें खरीद रहे हो। और यहाँ नीचे वालों में क्या है, 54EC, EE और F में आप असेट ट्रांसफर कुछ और कर रहे हो, खरीद कुछ और रहे हो। पहले वाले 54EC में लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर करी, खरीदे क्या, NHAI और RECI के बॉन्ड्स। EE में आपने कोई भी कैपिटल असेट ट्रांसफर किया, खरीदे क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेसिफाइड यूनिट्स। 54F में आपने कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी कैपिटल एसेट, और खरीदा क्या, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो ऊपर वालों में तो तीनों में सेम एसेट बेचा, सेम एसेट, सेम टाइप का एसेट खरीदा, नीचे वाले तीनों में अलग टाइप का एसेट बेचा, अलग टाइप का एसेट आपने खरीदा। ये थे 6 सेक्शन। इसके बाद 3 सेक्शन हो रहे, 54G, 54GA और 54GB। 54G और 54GA एक टाइप सेम टाइप के सेक्शन है, दोनों सेक्शन में डिडक्शन किसी भी पर्सन को मिल जाएगी। क्या ट्रांसफर होना चाहिए, आपके पास कोई लैंड और बिल्डिंग, लैंड और मशीनरी थी इंडस्ट्रियल यूनिट की, कहाँ थी, अर्बन एरिया, मतलब एक तरीके से ये 54G और 54GA में आपको शिफ्टिंग करवानी है। 54G में अपन शिफ्टिंग कहाँ करेंगे, अर्बन एरिया से अपनी यूनिट को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं अपन, रूरल एरिया में।
अर्बन एरिया से अपन अपनी इंडस्ट्री को रूरल एरिया में शिफ्ट कर रहे हैं, या अपन अर्बन एरिया से अपनी फैक्ट्री को रूरल एरिया में शिफ्ट कर रहे हैं। 54 जीए में अपन अर्बन एरिया से अपनी इंडस्ट्री को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, सेज में, एसईजेड में, तो दोनों शिफ्टिंग वाले सेक्शन है। तो आप क्या बेचे, आपने अर्बन एरिया की जो लैंड और बिल्डिंग थी या प्लान एंड मशीनरी, क्या क्या, लैंड बिल्डिंग प्लान एंड मशीनरी, और कुछ नहीं आएगा, फर्नीचर वगैरह नहीं आएगा, लैंड बिल्डिंग प्लान एंड मशीनरी आपने इंडस्ट्रियल यूनिट की थी, इंडस्ट्री की थी जो अर्बन एरिया में थी, उसकी आपने लैंड और बिल्डिंग प्लान एंड मशीनरी ट्रांसफर करी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ चाहे लॉन्ग टर्म हुआ, कोई सा भी हुआ हो, और क्या खरीदी 54G में आपने लैंड और बिल्डिंग प्लान एंड मशीनरी खरीदी, कहाँ, रूरल एरिया में, रूरल एरिया में खरीदी। और 54GA में कहाँ खरीदी लैंड और बिल्डिंग प्लान एंड मशीनरी, एसईजेड में, एसईजेड में खरीदी। तो आपको एग्जेंप्शन मिलेगा 54G और 54GA में। कब तक इन्वेस्ट करना है, एक साल पहले या तीन साल के अंदर अंदर ट्रांसफर के डेट से, कितना एग्जेंप्शन मिलेगा, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड दोनों सेक्शन में, विच एवरेज लोअर। अगर आप तीन साल के अंदर अंदर नए एसेट को बेच देते हो तो जो आपको एग्जेंप्शन मिली थी पहले वो विड्रॉ हो जाएगी। अदर पॉइंट क्या है, अगर आप पेमेंट भी कर देते हो, अभी आपके पास प्रॉपर्टी आई नहीं है, पजेशन नहीं आया, लेकिन पेमेंट भी कर देते हो तो अभी सफिशियंट, टाइटल नहीं आया लेकिन पेमेंट भी हो जाता है, सफिशियंट। ये थे 54G और 54GA। इसके बाद 54GB, ये मिलेगी इंडिविजुअल HUF को, क्या बेचने पे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचने पे, यहाँ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बननी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में लैंड भी आ जाएगा और बिल्डिंग भी आ जाएगी, लैंड भी आ जाएगा और बिल्डिंग भी आ जाएगा, हाउस भी आ जाएगा और लैंड भी आ जाएगा, कैसा होना चाहिए बस, रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल लैंड आएगा, रेजिडेंशियल हाउस आएगा, कमर्शियल लैंड नहीं आएगा, कमर्शियल बिल्डिंग भी नहीं आएगी, रेजिडेंशियल होनी चाहिए बस। और कैसा गेन हुआ आपको, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब क्या करना है इस केस में, 54GB में थोड़ा स्पेशल केस है, सबसे पहले उस इंडिविजुअल HUF को क्या करना है, 25% या उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर खरीदने स्टार्टअप के, कौन से स्टार्टअप, जो सेक्शन 80IAC, सेक्शन 80IAC में एक स्टार्टअप बता रखा है, उस स्टार्टअप के 25% या उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर में सब्सक्राइब करना है सबसे पहले। कब तक करना है, ड्यू डेट ऑफ ROI है उससे पहले पहले। और उसके बाद जो स्टार्टअप है ना, जिस स्टार्टअप ने, उस इंडिविजुअल ने पैसे लगाए हैं, उस स्टार्टअप वाले को क्या करना है, उस स्टार्टअप को न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है। पहले तो इंडिविजुअल को क्या करना है, इंडिविजुअल HUF को जो कैपिटल गेन वगैरह हुआ उससे कम से कम 25% इक्विटी शेयर खरीदने हैं 80IAC वाले स्टार्टअप के, बिफोर ड्यू डेट ऑफ ROI। उसके बाद उस स्टार्टअप को क्या खरीदना है, न्यू प्लान एंड मशीनरी खरीदनी है। अब न्यू प्लान एंड मशीनरी कब तक खरीदनी है, जिस दिन उस इंडिविजुअल ने इक्विटी शेयर सब्सक्राइब करे उसके एक साल के अंदर अंदर उस स्टार्टअप वाले को न्यू प्लान एंड मशीनरी खरीदनी है। अब एग्जेंप्शन किसकी मिलेगी, एग्जेंप्शन इक्विटी शेयर खरीदने की नहीं मिलेगी, एग्जेंप्शन किसकी मिलेगी, जितना अमाउंट उस स्टार्टअप वाले ने न्यू प्लान एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया, जितना अमाउंट उस स्टार्टअप वाले ने न्यू प्लान एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया वो ले लेना, डिवाइड कर देना नेट सेल कंसीडरेशन से, इंटू कर देना LTCG जो था, क्योंकि LTCG में मिलेगी, STCG में मिलेगी नहीं, तो इंटू LTCG जो जाएगा, ये आप क्या जाएगी एग्जेंप्शन लिमिट। अब विड्रॉल ऑफ एग्जेंप्शन, अगर आप न्यू प्लान एंड मशीनरी को या जो इक्विटी शेयर उस इंडिविजुअल HUF ने खरीदे हैं उसको ट्रांसफर करते हो 5 साल के अंदर अंदर, तो जो आपको अमाउंट एग्जेम्प्ट हुई थी वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब न्यू प्लान एंड मशीनरी में क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी वो देख लो, एक तो नहीं आएगी सेकंड हैंड प्लान एंड मशीनरी नहीं आएगी, एक तो एक ऐसी कोई प्लान एंड मशीनरी जो आपने ऑफिस में या रेजिडेंस में इंस्टॉल करी है, ऑफिस या रेजिडेंस में इंस्टॉल करी है वो भी नहीं हुआ है, वो भी नहीं है कवर होगी इसमें। तीसरा कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी इसमें कवर नहीं होगा। चौथा कोई व्हीकल है, कार वगैरह, ट्रक वगैरह, वो भी कवर नहीं होगा। और पांचवा है कोई ऐसी प्लान एंड मशीनरी जिसका आपको 100% डिडक्शन मिल गया, कहाँ, PGBP के अंदर, PGBP के अंदर अगर आपको 100% डिडक्शन मिल गया, जैसे साइंटिफिक रिसर्च की प्लान एंड मशीनरी है या सेक्शन 35AD की प्लान एंड मशीनरी है, वो यहाँ कवर नहीं होगी, 5 एसेट यहाँ कवर नहीं होंगे न्यू प्लान एंड मशीनरी में। इसके अलावा एक चीज़ और बता रखा है, अगर आपने न्यू प्लान एंड मशीनरी में इन्वेस्ट नहीं किया लेकिन आपने उस अमाउंट को, जो अमाउंट आपको इंडिविजुअल से मिली थी, उस स्टार्टअप ने क्या किया, उस अमाउंट को डिपॉजिट करवा दिया स्पेसिफाइड बैंक में। कब तक डिपॉजिट करवा दिया, ROI की ड्यू डेट से पहले पहले स्पेसिफाइड बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो अभी आपको क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ये था सेक्शन 54GB। अब इसमें एक पॉइंट और था कि कोई पर्सन एक से ज़्यादा सेक्शन में एग्जेम्पशन ले सकता है क्या, हाँ ले सकता है। मान लो इंडिविजुअल ने एक बिल्डिंग बेची, रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, तो वो मान लो उसने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, तो 54 में तो उसको एग्जेम्पशन मिल ही जाएगी। साथ में मान लो उसने क्या किया, NHAI और RCA के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ बिल्डिंग बेचने पे इसमें भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो एक पर्सन चाहे तो एक से ज़्यादा सेक्शन में भी एग्जेम्पशन ले सकता है, 2 में ले सकता है, 3 में ले सकता है, 4 में ले सकता है, बस ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए वो ले सकता है। ऐसा नहीं कि खाली एक सेक्शन में एग्जेम्पशन मिलेगी, एक से ज़्यादा में भी मिल जाएगी। एक था कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, एक छोटा सा पॉइंट है इसमें, देखो सेक्शन 54, 54B, 54D, 54F, 54G और 54GA, ये 6 सेक्शन है जिनमें टाइम लिमिट जो है ना इन्वेस्टमेंट करने की, वो 1 साल 2 साल 3 साल तक है। तो इन केस में क्या है, अब SSC मान लो इस साल इन्वेस्ट नहीं करता या ड्यू डेट ऑफ ROI तक इन्वेस्ट नहीं करता, अब गवर्नमेंट को श्योरिटी नहीं है कि बाद में इन्वेस्ट करेगा नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आप इस साल इन्वेस्ट नहीं कर रहे या ड्यू डेट तक इन्वेस्ट नहीं करते तो आप क्या करो, जो आपको कैपिटल गेन वगैरह हुआ है उसको आप डेट ऑफ जो ROI की डेट फाइल डेट है, ROI की जो डेट आपकी, उस डेट तक, उस डेट या उस डेट से पहले पहले आप क्या करो, उसको एक अकाउंट है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम उसमें जमा करवा दो, तभी हम आपको एग्जेम्पशन देंगे। गवर्नमेंट श्योरिटी लेने के लिए क्या करती है, उनको बोलती है अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे बाद में आप इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि टाइम लिमिट तो गवर्नमेंट ने दे ही रखी है, तो आप क्या करो, जो आपको कैपिटल गेन वगैरह हुआ है उसको आप ड्यू डेट ऑफ ROI तक क्या करो, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा दो, अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए तो ही मिलेगी। अब इसमें देखो 54EC और EE कवर नहीं है, 54EC और EE क्यों कवर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 महीने में इन्वेस्ट करना पड़ता है,
ओनली 6 महीने, ज़्यादा टाइम लिमिट नहीं है, बाकी केस में टाइम लिमिट ज़्यादा है। इसके अलावा 54 GB भी कवर नहीं है यहाँ पे, 54 GB क्यों कवर नहीं है, यहाँ स्पेशल अलग से पॉइंट दे रखा है अमाउंट डिपॉजिटेड इन स्पेसिफाइड बैंक, ये अलग से दे रखा है यहाँ पे, पहले से अलग से स्पेसिफाइड बैंक दे रखा है, इस कारण ये कवर नहीं है, बाकी सेक्शन यहाँ कवर है क्योंकि इनमें टाइम लिमिट 3-3 साल 2-2 साल की है। अब इसके बाद था आपने देखा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन। कैपिटल गेन पर टैक्स रेट क्या लगेगी, सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट क्या लगेगी सर्टेन एसेट्स पे, सेक्शन 111A(1)(a) बोलता है अगर STCG होता है तीन असेट पे, कौन कौन से, इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे अगर आपको STCG होता है और वो कैसे हैं ये तीन असेट है, STT पेड है मतलब सेल करते वक्त आप क्या पे कर रहे हो इनके ऊपर, STT पे कर रहे हो, STT पेड मतलब लिस्टेड है, लिस्टेड में क्या होता है STT पेड होता है, तो STCG होता है आपको इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, और अगर आप इन पे STT पे करते हो, STT पेड मतलब ये लिस्टेड है तो ये टैक्सेबल होंगे 15% की रेट से, किस रेट से टैक्सेबल होंगे 15% की रेट से होगा इनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, स्पेशल रेट लग जाएगी 111A वाली। लेकिन इनके अलावा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो आपको, जैसे मान लो आपको अनलिस्टेड शेयर पे हुआ, लैंड पे हुआ, बिल्डिंग पे हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ज्वेलरी पे हुआ, तो उन पे लगेगी जनरल रेट। जनरल रेट क्या है, इंडिविजुअल के लिए स्लैब, कंपनी के लिए 25%, 30%, फर्म के लिए 30%, वो रेट लग जाएगी जनरल रेट। तो इन तीन असेट पे अगर STT पेड है, लिस्टेड है, तो टैक्सेबल हो जाएगा 15%, बाकी असेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जनरल रेट। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन तीन असेट की देखते हैं, वो कवर्ड है 112A में। 112A में बोलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अगर आपको इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे, और ये तीनों के असेट कैसी हैं, STT पेड है मतलब लिस्टेड है, STT पेड है। इसमें एक चीज़ और थी कि सेल के वक्त तो लिस्टेड होनी चाहिए, सेल के वक्त तो STT पे होना ही चाहिए, इक्विटी शेयर्स के केस में, LTCG के केस में, इक्विटी शेयर्स के केस में, परचेज के केस में, परचेज के वक्त भी क्या होना चाहिए, वो STT पेड, मतलब इक्विटी शेयर के केस में आपको परचेज और सेल दोनों टाइम क्या पे करना है, STT, मतलब दोनों टाइम वो लिस्टेड होनी चाहिए। लेकिन यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अगर सेल के टाइम लिस्टेड है तो चल जाएगा, परचेज के टाइम नहीं थी लेकिन सेल के टाइम है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्विटी शेयर परचेज के टाइम भी होने चाहिए और सेल के टाइम भी होने चाहिए तो ही कवर होंगे, कब, कहाँ, 112A में, ऊपर नहीं थी ऐसी कंडीशन, यहाँ 112A में। तो इस केस में कैपिटल गेन क्या होगा, 100,000 रुपये तक जो कैपिटल गेन होगा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और 100,000 से ऊपर जितना भी हुआ वो 10% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा, और आपको इंडेक्स का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, इंडेक्स का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा और 10% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। अब इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का भी तरीका दे रखा है, अगर आप उन असेट को, इन तीन असेट को, इन तीन असेट को परचेज करते हो कब, 31/1/18 31 जनवरी 2018 या उससे पहले परचेज करते हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे, 31 जनवरी 2018 के बाद परचेज करते हो तो परचेज प्राइस ले लेना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 31 जनवरी 2018 या उससे पहले परचेज करते हो, 31 जनवरी 2018 या उससे पहले परचेज करते हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे, तो उसको निकालने का तरीका बता रखा है कि सेल कंसिडरेशन और FMV एज ऑन 31 जनवरी 2018, सेल कंसिडरेशन लो, FMV लो एज ऑन 31 जनवरी 2018 उस एसेट की, इन दोनों में से जो भी लोअर है वो लोअर फिगर ले लो, सेल कंसिडरेशन और FMV जो भी लोअर है वो ले लो, उस लोअर को किससे कंपेयर करो, परचेज प्राइस से, जो परचेज प्राइस थी आपकी एक्चुअल परचेज प्राइस उससे कंपेयर करो, और इन दोनों में से जो भी हायर है वो ले लो, सबसे पहले सेल कंसिडरेशन और FMV एज ऑन 31 जनवरी 2018 इन दोनों को लो, इन दोनों में जो भी लोअर फिगर है वो ले लो, उस लोअर फिगर को परचेज प्राइस से कंपेयर करो, और परचेज प्राइस और लोअर फिगर में से जो भी हायर है वो आपकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो क्या बन जाएगी आपकी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। अब FMV एज ऑन 31 जनवरी 2018 ये कैसे लोगे, दे रखिए तो ठीक है, नहीं दे रखिए तो कैसे लोगे, क्या कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे FMV एज ऑन 31 जनवरी 2018 इन तीन असेट्स के लिए, तो इक्विटी शेयर के केस में क्या होगा, इक्विटी शेयर के केस में ये लिस्टेड होंगे क्योंकि पहले भी लिस्टेड थे, परचेज करते वक्त भी लिस्टेड होने चाहिए और सेल करते वक्त भी, तो लिस्टेड होंगे तो इनकी ट्रेडिंग प्राइस आपको मिलेगी स्टॉक एक्सचेंज की, तो 31 जनवरी 2018 की हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस ले लेना, लोएस्ट वाली नहीं लेनी, एवरेज नहीं लेनी, कौन सी लेनी है, हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस लेनी है 31 जनवरी 2018 की इक्विटी शेयर के केस में। अब यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के केस में FMV कैसे निकालोगे, अगर ये लिस्टेड थे 31 जनवरी 2018 को, ये लिस्टेड थे 31 जनवरी 2018 को, अगर लिस्टेड थे तो उस दिन की इनकी हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस ले लेना 31 जनवरी 2018 की, मान लो उस टाइम लिस्टेड नहीं थे, बाद में लिस्टेड हुए, उस टाइम लिस्टेड नहीं थे, परचेज करते वक्त टाइम लिस्टेड नहीं थे, 31 जनवरी 2018 को भी लिस्टेड नहीं थे, तो क्या करोगे, लिस्टेड नहीं थे तो इनकी आपको लेनी है नेट एसेट वैल्यू 31 जनवरी 2018 की, 31 जनवरी 2018 की क्या लेनी है, नेट एसेट वैल्यू, सेल करते वक्त तो लिस्टेड होनी चाहिए तभी कवर होंगे, लेकिन परचेज करते वक्त इक्विटी शेयर तो लिस्टेड होने चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, और इक्विटी ओरिएंटेड फंड बिजनेस ट्रस्ट लिस्टेड भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके कारण यहाँ दो ऑप्शन हो गए, अगर लिस्टेड थे तो हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस ले लो, लिस्टेड नहीं है तो इनकी नेट एसेट वैल्यू ले लो कब की, 31 जनवरी 2018 की। फिर अपने देखा अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऊपर ये तीन असेट छोड़ दिए अपने, इन तीन असेट के अलावा अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो सेक्शन 112 में कवर्ड होगा, स्पेशल रेट लगेगी, अगर रेजिडेंट या डोमेस्टिक कंपनी को होता है तो 20% की रेट से टैक्सेबल होगा, 20% की रेट से, या नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को होता है तो अगर
जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो किस पे होता है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी की अनलिस्टेड सिक्योरिटीज पे होता है, तो 10% की रेट से टैक्सेबल होगा, इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और बाकी एसेट पे होता है लैंड लैंड वगैरह पे, बिल्डिंग वगैरह पे, ज्वेलरी वगैरह पे, तो 20% रेट लगेगी। ये था आपका अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्स की रेट सेक्शन 112 वाली। इसके बाद अदर पॉइंट थे सेक्शन 111A के, 112A के और 112 के। एक तो इन तीन सेक्शन में जो भी इनकम हो रही है, इन तीन सेक्शन की जो भी इनकम हो रही है उसमें से आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 कौन से, सेक्शन 80 वाले, कोई भी डिडक्शन आपको इन तीन सेक्शन की इनकम से नहीं मिलेगा। दूसरा, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट होता है इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख वाला, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF को मिलेगा। AOP फर्म, AOP BY को नहीं मिलेगा, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन को भी नहीं मिलेगा, नॉन रेजिडेंट को भी नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF को मिलेगा। वो भी कैसे मिलेगा? पहले तो दूसरी इनकम से लो बेनिफिट। अब दूसरी इनकम आपकी शॉर्टफॉल पड़ रही है, दूसरी इनकम कम पड़ रही है, तो फिर आप इन तीन सेक्शन की इनकम से ले सकते हो। मान लो आपकी ओनली इनकम है 111A वाली 4 लाख रुपए की और कोई इनकम ही नहीं है, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF को 2.5 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा, 2.5 लाख तक नील वाला बेनिफिट मिल जाएगा इन तीन सेक्शन की इनकम से। लेकिन पहले दूसरी इनकम से लो अगर है तो फिर इन तीन सेक्शन की इनकम से लेना। किनको? रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF को ही मिलेगा ये, और किसी को नहीं मिलेगा, और किसी को ये नहीं मिलेगा। ये था आपका चैप्टर नंबर 7 कैपिटल गेन। कैपिटल गेन पूरा का पूरा मैंने रिवाइज करवा दिया। मैक्सिमम इसका मैंने बताया आपको वेटेज 8 से 10 नंबर होता है। एक क्वेश्चन आता है तो 8 नंबर का आता है, नहीं तो MCQ वगैरह में या टोटल इनकम वाले क्वेश्चन में इसके क्वेश्चन आते हैं, और 8 से 10 नंबर का इसका वेटेज है। तो ये चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हो गया, इसका मैंने पूरा रिविजन आपको करवा दिया। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।